शरीर नहीं है, आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। अब आए आज सुंदर सी भगवान के अवतारों के वर्णन की कथा है। भगवान ने जन्म लिया है, अवतार लिया है, कितने अवतार हुए हैं। सृष्टि के निर्माण से पूर्व या सृष्टि के निर्माण के बाद हर वस्तु का मोरल मेडिसिन से बोले आप, साइंटिफिक रीजन से बोले आप, या आध्यात्मिक दृष्टि से हर तरीके से आपको प्रमाणित करके बताएंगे कि भगवान ने अवतार कितने लिए और क्या लाभ है। शुरुआत होती है, कल एक बच्चे ने बड़े प्यार से पूछा मेरे से कि गुरुदेव मृत्यु, अजन्मा, मोक्ष, योग क्या है। मृत्यु दो प्रकार से होती है, एक होती है कुमृत्यु और दूसरी होती है सुमृत्यु। व्यक्ति की जब मौत आती है, व्यक्ति जब मृत्यु के समय आता है, अंतिम गति आती है, तो 48 घंटे पहले उसे आभास हो जाता है कि अब मेरी लीला खत्म हो गई है, होने वाली है, लेकिन वो आसक्ति की डोर में बंधा रहता है और अपने को नहीं बताता। वो कहता है कि जो कष्ट सहना था मैंने सह लिया, अब इनको क्यों दिया जाए। ठीक है, और प्रमाण है कि अगर व्यक्ति मृत्यु से 48 मिनट पहले भी अपने आप को इच्छा रहित हो करके प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है तो वो अजन्मा हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। और अगर उस समय उसकी इच्छा ये रही कि भैया जिंदगी तो गरीबी में गुजार दी, काश हम भी अमीर होते, इस बार तो मैंने कुछ पाया नहीं, काश अगली जन्म में पाया होता। अगर उसकी मन की वो इच्छा है तो उसके लिए उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और जब तक उस जीवात्मा के जन्म का योग नहीं आएगा तब तक वो जीवात्मा भटकती रहेगी, अस्तु से प्रेत योनि कहा जाता। श्रीमद् भागवत कथा में आपने सुना इस दृष्टांत को, दुंधकारी ने अपनी माँ को मार दिया था, वैश्याओं ने उसे मार दिया, और गोकर्ण के आने पर रुदन करने लगा, त्राहि माम शरणागति, त्राहि माम शरणागति। गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान किया। अब प्रेत बैठेगा कहाँ, इसके लिए बांस रखा गया। पहले दिन एक गांठ फूट गई, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, इस तरीके से सातवें दिन सात गांठ पड़ी और सुंदर योग आया। हरि भजन का श्रवण करके, श्रीमद् भागवत का श्रवण करके धुंधकारी अजन्मा हो गया, अमरत्व को पा गया और बैकुंठ का भागी बन गया, बैकुंठ गमन किया। वो रिलीजियस पीरियड है। अब सुमृत्यु, सुमृत्यु उसको कहा गया है जिसको हंसते हंसते किसी की सेवा ना लेनी पड़े और अंतिम पल में तीर्थ में, काशी में, प्रयाग में जा करके ये देही को छोड़ दे और अंतिम शरण में प्रभु को अपने हृदय में अंकित करके रहे,
वो मोक्ष हो जाता है, अजन्मा हो जाता है। अब मोक्ष के सूत्र आधार कौन है? अगर किसी वृत्ति की मृत्यु होती है तो सनातन की एक प्रक्रिया है, आप कहते हैं इनके मुंह में गंगा जल डाल दो, तुलसी डाल दो, और ये दोनों वस्तुएं भगवान को प्रिय हैं और वो मोक्ष हो जाता है। ये सुमृत्यु। अब कई बार आप कभी जाएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग आ करके काशी में पड़े रहते हैं कि भाई ये मेरी लीला यहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर वहां मृत्यु सुनिश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है, तो अंत के समय बेटे की शादी में आते और रास्ते में गड़बड़ हो जाते। अच्छा एक प्रश्न कर रहा हूं, बताएं, आपने ये देखा कि किसी शादी में साउंड जोर से बजा, हार्ट अटैक आ गया, सुना? ब्याह में आ गया। क्या आपने कभी ऐसा सुना कि भागवत कथा या राम कथा करते हुए किसी को बीमारी लग गई, सुना क्या? चोरी हो जाती है, नंगे पैर आते नंगे पैर जाते नहीं, आलोचना हो जाती है, विचलन हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ? क्योंकि स्वयं भगवान श्री हरि ने यमराज से भी कहा, ओ यमराज, जहां मेरी कथा होगी, जहां पर मेरी भागवत कथा का श्रोता श्रवण करना है, उस क्षेत्र में तेरा भी प्रवेश वर्जित है, यानी भागवत श्रवण करने वाले के कभी अकाल मृत्यु। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। आप इतना जरूर देखेंगे कि जिनके पैरों में दर्द है, हाथ उठते नहीं है, वो भी आनंद में नृत्य करने लगते हैं, यानी उनके हृदय की बैठी हुई भक्ति जग जाती है। ये भागवत का प्रताप है, सारी पीड़ाओं को भूल जाते हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रताप है। बताया था आपको कि ब्रह्मा जी को संशय हुआ और ब्रह्मा जी ने एक तरफ सारे तराजू पे सारी संपत्तियां 14 रत्न रख दिया और एक तरफ श्रीमद् भागवत रखा, तो भी भागवत का पलड़ा भारी रहा। तो अंत में क्या भाव रहना चाहिए? आखिरी टाइम में पुनः कथा की ओर। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब
निर्मल होने चाहिए। आज सब साइंटिफिक पहले बात कर लेते हैं, बात संवाद फिर हम अध्यात्म में आएंगे, क्योंकि अब जमाना बदल गया है साहब, है ना। पहले कहते थे तुलसी को चबा के मत खाओ, बच्चे कहते थे क्यों, हमारे महापुरुष हमारे बुजुर्ग कहते ये हमारी माँ है, लेकिन अब बच्चे कहते हैं नहीं हम नहीं स्वीकार करेंगे, मोरर मिर्ची ने, नया जमाना है। तो मेरे बच्चों तुलसी के अंदर स्टेराइड ज्यादा होती है, अगर चबा के खाएंगे तो दांत टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। हम चैनल पे प्रोग्राम्स करते हैं, हमसे लोगों ने आके प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि स्वामी जी आप दवा देते हैं इसमें स्टेराइड है, अब मैं कैसे मना करूंगा, जब है तो देते ही हैं साहब, हम देते हैं स्टेराइड नेचुरल, हल्दी में स्टेराइड है, लहसुन में स्टेराइड है, अजवाइन में स्टेराइड है, हम पंचक्षार का प्रयोग करते हैं उसमें पोटेशियम है, हम चिरायता का प्रयोग करते हैं, मूलतः चिरायता लोग ज्वर में करते हैं प्रयोग, लेकिन चिरायता में फाइबर है, कैल्शियम है, ब्लड प्यूरिफायरी कंपेबिलिटी है और चिरायता डाइजेस्टिव भी है। आज से साइंटिफिक के तरीके से जाएंगे तो आज से 30,000 वर्ष पूर्व सूर्य का एक टुकड़ा पृथ्वी पे गिरा, हलाहल हुआ, संपूर्ण सृष्टि में जल ही जल नजर आया, वहां से चार प्रकार के जीव उत्पन्न हुए। हमारे गुरुकुल परंपरा में पढ़ाया जाता है और इस चैप्टर को हम कहते हैं जीव जीवाश्म जायन्ते, अंडज पिंडज श्वेतज, अनेक प्रकार से जाते हुए प्राणियों को साधारण तरीके से समझाया, तो जलचर थलचर नभचर और उभयचर। जो प्राणी जल में रहते हैं हम उन्हें जलचर कहते हैं, जो पृथ्वी पे रहते हैं हम उन्हें थलचर कहते हैं, जो पानी में और पृथ्वी पे दोनों पे रहता है जैसे मेढक वो उभयचर में आया, क्योंकि उसकी जुबान आगे की तरफ जुड़ी होती है, और मेढक का बॉटनिकल नेम इसीलिए राना टिग्रिना है। जो आकाश में उड़ते हैं, अनेक प्रकार की पक्षियों की व्यवस्था है। अब यहां दो प्रकार के वो प्राणी हैं, एक है स्वापोषी और दूसरा है परपोषी। गाय इतनी बड़ी है लेकिन वो परपोषी है, मच्छर बहुत छोटा है लेकिन वो स्वपोषी है। अब जीव जीवाश्म जायन्ते की प्रक्रिया है कि प्रकृति में अगर बकरी आई है तो उसने पेड़ के पत्तों को खाया है, और बकरी को खाते हैं ना मानव, रिसाइकल सिस्टम, पंखा बहुत तेज हवा दे रहा है, पंखा नहीं हवा देता, देता है प्रकृति की हवा को रिसाइकल करता है। यही भ्रम हो जाते हैं, भाई स्वामी जी कथा कर रहे हैं तो सो ना आपकी दृष्टि में स्वामी जी कथा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक में कथा तो कोई और ही कर रहा है ना। मैं नहीं जान सकता कि जितनी स्टेमिना आप देख रहे हो, एक से डेढ़ घंटे से ऊपर नींद नहीं है और भोजन भी नहीं है, नौकरी बड़ी कर रही है मेरी, 18 घंटे की ड्यूटी है, तो एक आंखें नहीं देखती हैं, आंखों के पीछे एक द्रग शक्ति है, कान नहीं सुनते हैं, इनके पीछे एक घ्राण शक्ति है, इन्हें हमें जानना चाहिए। परपोषी और स्वपोषी, परपोषियों का दायित्व स्वपोषियों पे दिया गया परमार्थ। अगर आप स्वयं खा सकते हैं, इस पे एक भगवान ने
एक दिन देवताओं और राक्षसों का संवाद बुलाया, कहा भाई चलो देखते हैं आप में कितना विवेक है। तिवारी बाबा कहने लगे आपकी थाली में भोजन है, आप लोगों को भोजन करना है, लेकिन आपके हाथ में एक ऐसी पट्टी बांधी जाएगी हाथ मुड़ेगा नहीं। अब भोजन करने के लिए तो राक्षस जल्दी भगते हैं ना, कि खान पान और दान में सदा रहे अगुवान। राक्षस बैठ गए, उनका विवेक शून्य है। अगल बगल में एक पंक्ति में बैठ गए, इसने उठाया नहीं वाला तो मुंह में तो आया नहीं, पड़ोसी के गाल पे तड़। पड़ोसी ने उठाया तो दूसरे के गाल में तड़। इस तरीके से प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक सब फिर वही रिवर्स हो गया। भोजन कहाँ करेंगे आप, कहाँ तो बता हुआ है ना, विवेक नहीं है ना आपका, यूं उठा करके पड़ोसी के गाल पे। भोजन एक तरफ रह गया, बात ही बात और हो गया। अब देवताओं का नंबर आया तो देवता अपना आमने सामने बैठ गए। उनके मन में भाव आया, मैं भोजन खुद ही तो नहीं कर सकता बने हाथों से, अगर मैंने ये भोजन अपने भाई को करा दिया तो शर्म आएगी, मुझे भी करा देगा। ये भाव जग जाए तो कथा का आनंद है। स्वयं खाएंगे तो नहीं है ना, इसलिए वेदों ने कहा कि अगर आप भोजन करते हो बिना ठाकुर जी को चढ़ाए तो भोग है। और अगर वो नहीं करोगे तो प्रसाद कैसे बनेगा है? सामने वाले को खिलाओ तो वो आपको खिला देगा। अब हम आदि मानव हैं, शेखावत जी प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है, आपको साध्य करना नहीं आता है। वन प्राणियों को रहने के लिए जंगल है, प्राकृतिक व्यवस्था है। आज बड़े बड़े रिसर्च सेंटर खुले हैं, उनको बोलो ना ये मौसमी के अंदर तुम्हारा बाप डालता है क्या, डालो बताओ ना कहां से आता है। केले की मिठास कौन डालता है, प्रकृति। जिस चीज को आज हम थोड़ा सा सीख रहे हैं, हमारे ऋषियों ने 5470 साल पहले करके दिखाया। अब हम यही साइंटिफिक रीजन समझाना चाहते हैं। माताएं नहीं समझती, स्कंद पुराण में, मानस पीयूष में, गणेश पुराण में, अनेक उप पुराणों में भी ऐसा लिखा गया है कि जिस दिन सूर्य ग्रहण हो उस समय गर्भवती महिला बाहर ना आए। हमने नहीं स्वीकार किया, लेकिन आज हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर महिला गर्भवती है तो जहां राइट का रिफ्लेक्शन होता है वहां ना जाए, गर्भ व्यवस्थित नहीं रहेगा, बच्चे को क्षति हो जाएगी। जैसे वेल्डिंग मशीन चलती है तो वहां नहीं जाने देंगे, एक्सरे मशीन की लाइट के फ्लक्स के पास नहीं जाने देंगे। ये छोटा सा रिफ्लेक्शन है, आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो पूरी प्रकृति को प्रकाश दे रहा है उसका रिफ्लेक्शन हम में लोगों के साथ साइंटिफिक होना पड़ेगा। अब हमारे बच्चों को रीजन समझाना पड़ेगा, नहीं तो वो राधे राधे और धन बाटले आधे आधे में सनातन की ओर नहीं आएंगे। सुंदर वृक्ष है, सुंदर फल है, प्रकृति में आप देखिए शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हर ऋतुओं के आधार से फल आपको प्रकृति ने दिया है। तन और मन की अग्नि भोजन से होती है, प्राकृतिक व्यवस्था से, वहीं से स्त्री की उत्पत्ति होती है, तो उससे तन की शांति होती है,
उधर अग्नि शांति होती है आपके भोजन से। अब निर्भर है आप भोजन कैसा करते हैं, तो नोट कर लेना, ब्रह्म मुहूर्त का भोजन हमेशा है ना बासाई होना चाहिए। सुबेरे के समय आप कुछ भी भोजन करो, काजू बादाम पिस्ता जो भी राम जी ने दिया हुआ, हमारे जैसे को तो पानी भी कई बार नहीं मिलता, यहाँ तो बच्चे देते नहीं तो कभी दो दाने मूंगफली पे भी गुजारना पड़ता, कभी वो भी नहीं। हमारे तिवारी जी बैठे हैं साक्षी, एक बार हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा था गुरु पूर्णिमा का, ये हमारे शिष्यों ने समझा गुरु जी ऐसे और बाकी शिष्यों ने समझा हर हर महादेव, पूछ रहे हैं हमारे ऐसे चेले हैं ये सब। 12 बजे तक, अब मेरा कैसा, जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता तो नींद ही नहीं रहती है अनुष्ठानों में, सुबह 3 बजे हवन कुंड से उठना, फिर सप्तशती पाठ करना, लोगों से मिलना, फिर रात को भागवत कथा करना, और आपके यहाँ जो ये आयुर्वेद की सेवा है ना, मेरे यहाँ रोज चालू रहती है, रात दिन का धंधा है वो, क्योंकि उनको बिचारों के पता है बाबा कर या मर पहले मेरा भला कर, इतनी दूर से आए बाबा, अरे बाबा कितना मेहनत कर रहा है सुबह से, मैं भी किसी माँ का बच्चा हूँ भाई। कार्यक्रम संपन्न, दीपक जबरदस्त, 150 लोगों का भोजन हो गया, गुरुजी के नाम पे कुछ भी नहीं। 1:30 बजे उठे, गुरुजी का भोजन, बोले है नहीं, बोले गुरुजी का चाय, बोले दूध भी नहीं, पूछो समक्ष बैठे हुए लोग हैं। तो फिर अब वहां पर तो हमने यही कह दिया हर इच्छा बलवान, उसने कहा कि अभी थोड़े एक दिन और कर, क्योंकि आज नवमी है और सिद्धिदात्री की रात है, अगर आज मैं भोजन कर लेता तो सिद्धियां नहीं फलित होती, इसलिए त्याग से ही सब कुछ मिलता है। 200 लोगों का भोजन हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन मेरे नाम पे हर हर महादेव, क्योंकि इनकी भी गलती नहीं है, वो प्रकृति उस तरीके से आपसे करवा लेगी, आपके भोग, आपके भाग्य, आपके संचित कर्म, आपके प्रारब्ध, वो यश आप जिसके काम करवा लेते हैं। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम समझते हैं ये हम कर रहे हैं, नहीं नहीं आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लाइफ इज रियली ड्रामा, ये पहले से ही निर्धारित है आपको कितनी दूर चलना है। सृष्टि की व्यवस्था की जा रही है, चिंता होती है ना, मेरा बच्चा भूखा है, आप भी सोचते हैं मेरी खेती पड़ी है उसमें फसल नहीं लगेगा, मेरी बच्ची ऐसे, परमात्मा को भी थोड़ी सी चिंता होने लगी है कि अब हलाहल हो गया है, प्रलय हो गया है, सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। जागृहे पौरुषम रूपम भगवान महादभिः सम्भूतं खोटस कलमादो लोकसी श्रीछया यस्या